अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी का, ये है किचन और आज बहुत जबरदस्त किस्म की डिश बन रही है और डिश बनाने के लिए हमारे दरमियान कौन है, शेफ हुमा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हुमा? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो बड़ी प्रीटी हो यार। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हैं। अच्छा एक फिल्म इंडिया की, उसमें संगीता बिजलानी थी ना, ऐसी थी, मुझे ऐसी लग रही और लगेगा। थैंक यू, सो क्यूट, बहुत प्यारी। अच्छा डिश कितनी प्यारी बन रही है, उस डिश का नाम भी बहुत प्यारी है, ग्रीन ग्रीन है, मलाई चिकन हरियाली हम बनाने वाले हैं सभी। हरियाली। क्या बात है, चलिए हम अपनी डिश की तरफ चलते हैं। मलाई चिकन हरियाली, मलाई चिकन हरियाली, लेट्स सी, बड़ा यूनिक नेम है, डिश भी यूनिक होनी चाहिए। इसके इंग्रेडिएंट्स बता दें फिर हम इसको बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट इसमें हमने चिकन लिया है वॉश्ड 1 kg, ओके, और ये ग्रीन चिली, धनिया पुदीना का पेस्ट है। ठीक, अच्छा धनिया पुदीना और ग्रीन चिली का पेस्ट, ओके ठीक है। इसी से इसका जो है ना वो ग्रीन इफेक्ट, जो हरियाली, वो जो हरियाली चिकन है वो डन हो गया। ठीक है, और ये रोस्टेड धनिया है। अच्छा ठीक है, ओके, और ये जीरा और इसके अंदर कड़ी पत्ता है, ओके गुड हो गया। नेक्स्ट ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ओके, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एज यूजुअल सॉल्ट, चाट मसाला, और ये थोड़ा सा फ्लेवर के लिए किसी भी ब्रांड का आप कढ़ाई मसाला ले लें, अगर नहीं है अवेलेबल तो छोड़ भी सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और बाकी इसमें स्लाइस्ड अनियन है और क्रीम हम ऐड करेंगे इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। वाह भाई वाह। अच्छा मेजॉरिटी इंग्रेडिएंट्स हुआ, मैं देख रही हूँ ये सब घर पे ही होते हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें खास पे अवेलेबल है, कोई भी चीज के लिए आपको जो है मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें अवेलेबल हैं। ये कढ़ाई मसाला भी अगर आपके पास है तो आप यूज कर लें, अदरवाइज आप इसको हटा लेंगे। अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं हम इसको, फ्लेम को थोड़ा सा ये फास्ट कर लेते हैं और इसको इसके ऊपर रखते हैं ताकि जरा क्विकली हम, अच्छा ऑयल वगैरह सब जो कढ़ाई में ऑफकोर्स यूज होता है, आपकी मर्जी, आप अपने घर में कोई सा भी ऑयल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बस ये है कि अच्छे ब्रांड का ऑयल यूज करें ताकि आपको स्मेल ना, हेल्थ इश्यूज ना हो, क्योंकि ये बड़ा आजकल मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हमने सबसे पहले ऑयल ऐड कर लिया, सारा डालना या छोड़ना है? सब डाल दिया, सब डाल दिया। मेरी बहन ने आसरा ही नहीं किया, ये छोड़ नहीं, अभी पता भी नहीं चलेगा आपको। ऑफ कोर्स कढ़ाई में थोड़ा ऑयली सी होती है वो मजे का, तो तभी तो उसमें ये आपको पता भी नहीं चलेगा, फ्लेवर आएगा बड़े। जब ये थोड़ा सा ऑयल हीट अप हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये जीरा और ये कड़ी पत्ता, ये हम जो गरम मसाले में घर में मौजूद होता है, ये हम ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम स्लाइस अनियन डाल के थोड़ा सा इसको। ठीक, ये क्या बनाएंगे? ये सूखा धनिया, ये चाट मसाला है, चाट का मसाला, ये भी बाजार से घर पे भी बनता है। अच्छा कितने साल से कुकिंग कर रहे हो? 5 years हो गए मुझे, मेरा बिजनेस भी है ऑनलाइन बिजनेस भी है, किचन फूडीज बाय हुमा अली के नाम से फेसबुक पे भी पेज है और हम लोग जो है होम शेफ पाकिस्तान से भी सेल्स कर रहे हैं। माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5+ years हो गए एंड बहुत अच्छा रिस्पांस है और बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक का और बहुत कामयाबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो वर्किंग कर रही है ऑनलाइन, कुछ आसान नहीं होता कुकिंग करना और लोग फिर ऑर्डर्स वगैरह भी करते होंगे। हाँ ऑर्डर्स होते हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे उसके आते हैं क्वांटिटी के ऑर्डर्स और माशाल्लाह से अच्छे फूडीज भी हैं हमारे पास जो कि ऑर्डर, तो आपके परमानेंट क्लाइंट भी होते होंगे बहुत सारे माशाल्लाह से, ऐसे भी हैं जो डे वन से कनेक्टेड हैं और आज तक कनेक्ट ही हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आपके रिस्क में बरकत दे। अच्छा ये ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर हम ऐड करें प्याज अनियन, हम इसमें ऐड करें अनियन, ये आप स्लाइस कर लें बारीक बारीक, लेकिन इसको पूरा आपने ब्राउन नहीं करना है। अच्छा ये बहुत अच्छा था, डिश बनाने से पहले आप तमाम इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लें तो बिल्कुल आप क्विकली बना लेते, ये बेहतरीन हो जाता है। बस अब ये हल्का सा ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, ठीक, हल्का सौते कर लें, ऐसे कर लें, ब्राउन नहीं करना इन्होंने, पूरा ब्राउन नहीं करिएगा क्योंकि फिर नहीं तो वो पूरा कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, जब थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन और जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। ओके जी, थोड़ा सा कुक हो जाए तो इन्होंने जिंजर गार्लिक और क्या, ये चिकन ऐड करेंगे, ये वाला, तकरीबन हमने 1 tablespoon के करीब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया और चिकन भी दे दीजिएगा मुझे आप। अच्छा हाँ चिकन भी, ओके वाओ। इसको मैक्सिमम कितनी देर लगेगी अभी? ये आराम से आपका 10-20 minutes में आराम से हो जाता है। ठीक है, जब तक हम करते हैं डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब
अक्सर लोगों को मैंने देखा जब भी जॉइंट पेन की बात करें तो अदरक की बात आती है। और अब मुझे ये बताएं कि अदरक वाकई में ये जो ये मेरे हाथ में जी बताएं, आप बताएं इसके जी। पहले तो मैं थोड़ा सा आपने उनसे सवाल किया सभी के मैं कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों? तो सबसे बेहतरीन ऑयल जो हमें हर डिजीज़ से बचाता है वो फिश ऑयल और दूसरा ऑलिव ऑयल, ये दो इस्तेमाल करें, ये सबसे बेहतरीन ऑयल है, इससे अच्छा ऑयल कोई नहीं हो सकता। अच्छा हम इसको वहाँ शिफ्ट कीजिएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा हम इसको कम कर देंगे। आप अभी रखिए, आप आवाज़ आपकी जसर में चिनमिन चिनमिन में दब गई थी, दोबारा बताइए। अच्छा जी नाज़रीन, अभी ये गुजारिश की थी कि अभी आपने एक सवाल किया था कि हमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो यानी कि जो बेहतरीन ऑयल जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो फिश ऑयल या दूसरा जो ना ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का जो तेल है, दी बेस्ट है। जब भी किस चीज़ में भी इस्तेमाल करेंगे आपको हमेशा इनका फायदा ही होगा। फिश ऑयल जो है इसके अंदर प्यूरिन्स नहीं होती, वो उसके मछली के गोश्त में होती हैं, लेकिन ऑयल के अंदर प्यूरिन्स नहीं होती, इसलिए आप सेफली यानी कि उसको इस्तेमाल करें, आपका यूरिक एसिड कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, फिश ऑयल, मैंने जैतून के तेल को मैंने अक्सर सुना है, लोग कहते हैं इसको पका के नहीं खाया जाता, उसको डायरेक्ट वेजिटेबल्स पे ऐसे डाल दिया जाता है, ऐसे नहीं, कुकिंग आप बकायदा उसको कुक करके खा सकते हैं। कौन कौन सा है? अच्छा, उसमें खाने पक सकते हैं? बिल्कुल पकते हैं, खाने ऑयल में पकते हैं। और फिश ऑयल भी इस तरह अवेलेबल होता है बाजार में? फिश ऑयल शायद अवेलेबल ही होगा, लेकिन जो थ्योरिटिकल में बात कर सकता हूँ वो तो यही कर सकता हूँ, ये तो क्योंकि ग्रोसरी खरीदना तो आपका काम है ना, हमारा नहीं, हमें नहीं पता क्या। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है ना कि मैंने अक्सर देखा है इसके कैप्सूल्स लोग इंटेक करते हैं, इसके बहुत सारे वैरायटीज के अंदर ऑलिव आता है, आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑफकोर्स के जो है जैतून का तेल, फिश ऑयल, और यकीन कर आप डेली जैतून का एक छोटी सी ये है ना स्पून, छोटा चम्मच, इसे आप थोड़ा सा ऑयल डेली। अच्छा, आप रात में या सुबह में निहार मुँह जैसे अभी आपने अदरक की बात की थी, मैं वो बात मेरी बीच में रह गई, तो ये नहीं कि इसके अंदर एक मैं देसी नुस्खा बता देता हूँ, उसको आप इस्तेमाल करें। जी बताइए। एक गिलास गर्म पानी का ले लें, नीम गर्म पानी का, ओके, ले लिया। नीम गर्म पानी का ले लें, उसको आधा चम्मच उसमें अजवाइन डाल दें जिसको सिलीरी कहते हैं, आधा चम्मच ले लें, और एक इंच आप अदरक का टुकड़ा ले लें, उसको थोड़ा सा घुट के उस गिलास में डाल के रख दें, सुबह उसको निथार कर पी लें। अगर आप कुछ अरसे ये पीते रहेंगे तो आपके यूरिक एसिड लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहा करेगा। वाह, होम रेमेडी भी दे रहे हैं, ये देखिए ऑर्थोपेडिक सर्जन किस जगह चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हमारी हर्ष बहुत करामद है और ये हमारी हेल्थ डाइट में आती है। यस, आपने देखा होगा कि हमारी नानी दादियाँ जो थी वो हल्दी का इस्तेमाल बहुत करती थी, ज़्यादा अच्छी चोट लगी कुछ फौरन दूध में हल्दी डाली और आपको पिला दिया। ये प्रूफ हो गया, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है कि हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है। तो यानी कि उस हल्दी से हमें जिसको बहुत यानी कि हमें उसका फ़ायदा है, तो हल्दी बेकार चीज़ नहीं है जिसे हमने बेकार समझा हुआ, और वो जो कुछ करती थी सही करती थी, जख्मों को अंदर से हील करती है ना, इसलिए बड़े फायदेमंद है हल्दी ना। अक्सर लोगों को एक्सीडेंट होता है, अम्मियां घोल घोल के पिलाती हैं दूध में। अच्छा, ये क्या ऐड हो रहा है इसमें? ड्राई मसाले ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड किया है। अरे मेरी बहन, हल्का कर दो इसको, इससे पहले कि ये चीज मुझे लग जाए, मैं जरा से इसको बहुत चले ये। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हमने सॉल्ट ऐड किया, मैं इसको रिपीट कर दूं फिर आप रिपीट। सबसे पहले इन्होंने प्याज हल्का सा गर्म मसाला डाला ऑयल डालने के बाद, फिर इन्होंने जो है वो जीरा वगैरह डाला था अपने गरम मसाला, हाँ, कड़ी पत्ता और जीरा, ठीक। और उसके बाद, उसके बाद हमने चिकन ऐड किया है, फिर अदरक लहसुन, हाँ, और नेक्स्ट फिर और नमक। उसके बाद हमने ड्राई मसाले अभी डाल रहे हैं, अभी सॉल्ट डाला और गरम मसाला डाला, गरम मसाला एंड सॉल्ट अभी तक ऐड हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च, अगर आप इसकी जगह व्हाइट यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ब्लैक दोनों राइट से ज्यादा फायदेमंद है। ये इसमें हमने चाट मसाला, बहुत टेस्टी चाट का मसाला, बहुत मजे का, मैंने थोड़ा सा चखा, थैंक यू, मजे का टेस्टी। ये हमने चाट मसाला ऐड कर दिया और थोड़ा सा आपने, और ये थोड़ा सा ये फ्लेवर के लिए, इसके लिए आपको वो नहीं है ज़रूरी, अगर ना हो तो आप छोड़ सकते हैं, आपका फ्लेवर जो है वो सेम ही आएगा। मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसको ऐड करूँ। अब हम थोड़ा सा इसको पका के इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ये पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, तब तक ये बन रहा है आप बताइए, योगर्ट के कितने फायदे हैं? दही यहाँ पर ऐड होगा इसमें? आपको मैंने अभी देखा बात करते हुए,
कि आपने वो नमक की बात की, तो नमक से फिर मुझे एक बात याद आ गई कि जो हमारा प्यूरीन है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने नमक को पीसा हुआ तो इसकी जो शक्ल होती है ना वही हमारे प्यूरीन के अंदर है, और प्यूरीन हमारे हर बॉडी के सेल में मौजूद होता है, हर सेल बॉडी के सेल में मौजूद होता है। एज ए आरएनए और डीएनए के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जिसे एडेनिन और ग्वानोसिन कहते हैं, तो उनके बेसिस बनाते हैं और ये हर सेल में मौजूद होता है। जैसे ही सेल का टर्न ओवर होता है तो ये यूरिक एसिड जो का लेवल बढ़ता शुरू हो जाता है। ओके डॉक्टर साहब ने साथ साथ जी इतना आप सही। अब क्या डल रहा है स्पेशल जिसके नाम से डिश का नाम है ये वो डिश के नाम से हरियाली चिकन हरियाली इससे आएगी हरियाली इससे तब ये पेस्ट है। इसके अंदर तकरीबन 3 हरी मिर्चें हैं और आधा गट्टी वो है धनिया पुदीना इक्वल क्वांटिटी में लेके आपने इसका पेस्ट बना लेना और बिस्मिल्लाह करके डाल देना। यस और अब इसको जो है हम थोड़ा सा मिक्स करके इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ रख देंगे और एंड में जो है फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। चलें जी ये इसमें सब डल गया है। अच्छा जी हम लोग जब तक इसको मैक्सिमम कितनी देर स्टीम पर रखना है? ये तकरीबन अभी इसको 10 टू 15 मिनट हम लोग वापस आ रहे हैं, यानी कि छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड शेफ हुमा के साथ।